हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधा, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए पालक पनीर मसाला की स्पेशल रेसिपी। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूं। जब ये मसाला मैंने पहली बार ट्राई किया था तो इसका कलर जो है थोड़ा सा डार्क था और इसका जो फ्लेवर है थोड़ा सा गर्म मसाले जैसा लग रहा था। जब दूसरी बार मैंने इस मसाले को ट्राई किया तो ये काफ़ी बढ़िया और बहुत ही टेस्टी बना था और ये मैं मार्केट से लाई थी, तो आप दोनों में फ़र्क देख सकते हैं, सेम एक जैसा कलर है। तो ये मसाला जो है मार्केट का बना हुआ है, काफ़ी टेस्टी बना है, लेकिन शुद्धता की इसमें पूरी गारंटी नहीं है। और ये मसाला घर का बना हुआ है जो पूरी तरह से शुद्ध है, स्वाद और सेहत से भरपूर है। जब हम घर पे मसाला तैयार करते हैं तो वो काफ़ी किफ़ायती होता। तो चलिए शुरू करते हैं। कढ़ाई मैंने रख दी है। एक बड़ी इलायची डाल देंगे, हाफ तेज पत्ता, दो हरी इलायची, दो लौंग, हाफ इंच दालचीनी का टुकड़ा, 10 इसमें हम लौंग डाल लेंगे। फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे और इसे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तो इसे मैंने एक मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लिया। अब हम इसमें 3 चम्मच साबुत धनिया डालेंगे। यहाँ मैंने नॉर्मल चम्मच यूज़ की है। अब इसमें 1 चम्मच हम जीरा डाल देंगे। फ्लेम को यहाँ हम लो रखेंगे क्योंकि कढ़ाई ऑलरेडी गर्म है। इसे भी हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तो मैंने इसे 1 मिनट रोस्ट कर लिया है। आप इसे इस प्रकार से छूकर देख सकते हैं। ये जब हल्का सा गर्म लगे समझिए मसाला आपका रोस्ट हो गया। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें डाल देंगे 3 से 4 सूखी हरी मिर्च। अगर आपके पास सूखी हरी मिर्च नहीं है तो आप इसकी जगह सूखी लाल मिर्च 1 से 2 डाल सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे ये सूखा प्याज यानी ड्राई अनियन, जिसे मैंने चॉप करके सूखा लिया था, तो ये 2 चम्मच मैंने इसमें डाला। इसे थोड़ा सा हम चला देंगे क्योंकि कढ़ाई अभी गर्म है। तो चलिए मैं अब इसे निकाल लेती हूँ। तो इसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा और डाल देंगे यानी 1/4 टीस्पून के लमसम, और 1.5 चम्मच हम इसमें डालेंगे ड्राई गार्लिक, जिसे मैंने चॉप करके सूखा लिया था। फ्लेम को यहाँ हम लो रखेंगे, इसे हल्का सा हम पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं लाइट गोल्डन कलर का हो गया है। मैं इसे निकाल लेती हूँ क्योंकि इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। तो ये मसाले हमारे ठंडे हो गए। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे और इसमें डाल देंगे ये 1/2 चम्मच जिंजर पाउडर, 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच मिल्क पाउडर, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर, 1/4 चम्मच काला नमक, 1/4 चम्मच सफ़ेद नमक और 1/4 चम्मच हींग और 1/3 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच हम इसमें डाल देंगे कॉर्न स्टार्च। इससे क्या हुआ ग्रेवी में गाढ़ापन आता है। और 10 से 12 हम इसमें काजू डाल देंगे। इसके बाद हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए मसाला हमारा तैयार है, लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं तैयार है। अब हम इसमें डाल देंगे ये लहसुन पका हुआ। आप चाहें तो इसे ऐसे ही रख सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे मिक्सी को बस एक बार ऑन ऑफ करना है। ये देखिए अब हमारा मसाला जो है पूरी तरह से बिल्कुल रेडी है। तो फ्रेंड्स अगर आप भी पालक पनीर खाने के शौकीन हैं तो आप इस मसाले को ज़रूर बना के रखिए। और जब भी आप पालक पनीर की रेसिपी ट्राई करें तो इस मसाले को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। आप खुद फ़र्क महसूस करेंगे, एक अलग ही टेस्ट आएगा। और अपने एक्सपीरियंस हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।